गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी लोग चैनल से जुड़ गए। आइए आज आपको आज का जो डे है उस डे में आपको आज हम जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो स्टोरियां आती हैं, स्टोरियां मीन्स स्टोरी आती है, तो हम लोग उस स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आज आपको हम सिखाते हैं, बताते हैं कुछ रूल्सों को, नियमों को। आज आप लोग देखें और समझें कि जो भी स्टोरी दी जाएगी हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में, तो स्टोरी को हम अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे। आइए, फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोर्ड पर एक स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा है। पहले हेडिंग उन्होंने डाली ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सभी लोग जानते होंगे ट्रांसलेट मीन्स होता है अनुवाद करो, इन मीन्स में और इंग्लिश में अंग्रेजी में। तो जो स्टोरी बोर्ड पे दी गई है इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना है। आप सभी को पता होना चाहिए कोई भी स्टोरी हो या चैप्टर हो या लेशन, आपका चैप्टर जो होते हैं बुक्स में, उन किताबों में जो भी चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, उन सभी में मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है, निर्माण हुआ है सबसे पहले काय का हुआ, लेटर का। लेटर मीन्स अक्षर, लेटर मीन्स पत्र नहीं है, लेटर मीन्स अक्षर, जिसका अन अदर नेम है वर्ड, हिंदी लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं वर्ड या अक्षर। सबसे पहले लेटर का निर्माण हुआ, इसके बाद में स्ट्रक्चर काय का हुआ, वर्ड का। अक्षर के बाद में वर्ड का, वर्ड के बाद में क्या आया, शब्द। वर्ड मीन्स होता है शब्द, और जब एक से अधिक जब वर्ड ऐड हो जाते हैं तो हमारा क्या बनके स्ट्रक्चर होता है, ए सेंटेंस, एक वाक बनता है। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लेटर, लेटर के बाद में वर्ड, वर्ड के आफ्टर सेंटेंस। और कई जब सेंटेंस हम एक साथ कर देते हैं किसी टॉपिक पर लिखते हैं, वाक्यों को तो लिखते हैं, तो वही हमारा चैप्टर होते हैं, वही हमारे लेसन होते हैं। आइए देखते हैं आपके सामने ये स्टोरी जो लिखी हुई है, तो इसमें आप देख लीजिए, हर एक पढ़ के आप देखते हैं तो इसमें आपके सेंटेंस हैं, सभी सेंटेंस है ना। और ये टॉपिक हमारा लगभग किस पे है, गॉड पर, ईश्वर पर, ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं, या ईश्वर ने क्या बनाया है और मनुष्य ने क्या बनाया है, यही डिफरेंस इस स्टोरी में दिया गया है। आइए आप लोग सभी लोग ध्यान से देखें, कॉपी पेन अपने हाथ में रखें। यदि आपको ये स्टोरी कैसे बनी है, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, आपको समझ में आ जाए तो आप उसे नोट जरूर कर लें, और विशेषकर आप स्पेशली आप लोग जिसके रूल्स हैं उन नियमों को विशेष ध्यान रखें, समझ रहे हैं हम लोग, नियमों को विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद में आप लोग ध्यान दें, आपके सामने जो स्टोरी है वो स्टोरी में पहला सेंटेंस क्या है, सभी लोग चैनल से जुड़े ध्यान से आप देखें, पहला भाग क्या जो पढ़ते हैं, ईश्वर महान है, क्या लिखा है, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है। सबसे पहले माइंड हमें करना है कि हमारा ये ईश्वर महान है, हमारा कोई एनी यूज है या एनी कोई टेंस है, तो मैंने देखा पहचाना, मुझे लिखा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ईश्वर, ईश्वर है। आइए बनाते हैं, तो ईश्वर को हम क्या कहेंगे, गॉड, ठीक है, गॉड। और इसके बाद में आपको है, और है की अंग्रेजी क्या होगी, इज, ठीक है, गॉड इज क्या होगा, ग्रेट, जी आर ई ए टी, एनी प्रॉब्लम। देखिए आप कैसे बनाया आपने, गॉड क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो गॉड सिंगुलर नंबर, इज और ग्रेट, यानी ईश्वर महान है। आप यहाँ है भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईश्वर आप तो जानते हैं, गॉड इज गॉड, ईश्वर तो ईश्वर है, तो महत्व जो भी है आपका, तो इसलिए यहाँ पर आप ग्रेट, ये नहीं यहाँ पर है हो गया तो आप यहाँ आर लगा दें, क्योंकि गॉड इज ओनली वन, ईश्वर सिर्फ
मात्र एक ही है, अनेक नहीं है। तो क्या है? गॉड इज ग्रेट। नेक्स्ट अगला भाग हम पढ़ते हैं, वह सर्वव्यापी है। वह मतलब बे, बे सर्वव्यापी है। बे मीन्स कौन? यहाँ पर हो गया गॉड मीन्स ईश्वर। तो यहाँ पर आप वह के लिए क्या करेंगे? ही। हमने देखा ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ही है, तो इज, तो ही इज अब कैसा है? सर्वव्यापी होता है ओमनी प्रेजेंट। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट मतलब वह सर्वव्यापी है। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है सर्वव्यापी। अगला सेंटेंस पढ़ते, ईश्वर ने सूर बनाया है। यही तो लिखा है ना कि ईश्वर ने सूर बनाया है। तो ये हमारा है क्या? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ईश्वर ने क्या करने के सब्जेक्ट हमारा ईश्वर है गॉड। आप सभी को पता है प्रेजेंट परफेक्ट में एक्चुअली ओनली टू यूजेज हैज एंड हैव। तो ईश्वर यहाँ सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या होगा? हैज। गॉड हैज। आपको स्पेशली इसमें हम ये बताएंगे क्रिया, क्रिया एक हिंदी में होती है जिसे कहते हैं बनाना, किसी भी काम को करना है बनाना। तो बनाना जो शब्द होता है उसकी स्पेलिंग कितने प्रकार की होती है आज इसमें आप जानेंगे। अब आप देखिए यहाँ बनाना लिखा, ईश्वर ने सूर बनाया है। ईश्वर ने सूर बनाया है और मनुष्य ने जो बनाया है उसमें क्या डिफरेंस है? आपको पता ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया है वो बनाना नहीं है, स्पेशली अगर आप समझेंगे इसे कहते हैं रचना करना। गॉड ने क्या दिया? रचा है, सृष्टि की रचना की है। तो यहाँ बनाने का अर्थ है रचना करना, और रचना से अंग्रेजी होती है रचना करना की क्रिएट। क्या होता है?